तो सब गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेटा के 2022 मॉडल के बारे में। भाई क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में हमें देखने को मिल जाएंगी, भाई इसका लुक कैसा है, इसमें इंजन कैसा है, इसमें ट्रांसमिशन क्या देखने को मिल जाएगा, क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और भाई क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अगर हम अभी प्रेजेंट में क्रेटा को उठाते हैं और हम 2022 वाली क्रेटा को अगर उठाएंगे तो क्या डिफरेंसेस हमें इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना और लाइक का बटन जो है वो जरूर से दबा देना। बिना कोई टाइम खराब करें हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर क्रेटा के लुक के बारे में, तो भाई पीछे से ऑलमोस्ट हमें सिमिलर ही देखने को मिल जाता है क्रेटा जो अभी हमारे पास आती है, जो हमारे पास 2022 के हाफ में आने वाली है, उसमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो पीछे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर गाड़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन चेंजेस जो है वो फ्रंट में हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में हमें एक टुक्सन कह लो वाली ग्रिल देखने को मिल जाती है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाया गया है इसकी तरीके से, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई गाड़ी हमें देखने को नहीं मिलती है टुक्सन वगैरह आम तरीके से रोडों में चलते हुए। तो क्रेटा को जो लुक है वो थोड़ा सा उसकी तरह दे रखा है। साथ ही साथ इसमें लाइट्स वगैरह इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी कूल लगती है ये गाड़ी फ्रंट से कि भाई क्या ही कहने। अभी जो क्रेटा है वो जब हमारे पास लॉन्च हुई थी तो लोग कह रहे थे कितनी अगली गाड़ी है, ये कौन ही खरीदेगा, लेकिन आप लोग अभी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही है इस गाड़ी की। और 2022 में आने वाली गाड़ी तो यार कमाल की होने वाली है। अब कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कन्फर्म फीचर्स हमारे पास हैं। हमारे पास 10.25 इंचेस का हमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जो यार हमें अल्कज़ार में देखने को मिल जाता है, बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट वैसा ही इसमें देखने को मिल जाएगा। अब पैनोरामिक सनरूफ भी इस गाड़ी में अवेलेबल रहेगा, यार क्रेटा में पहले भी था अब भी रहेगा। और साथ ही साथ इसमें हमें कुछ कार कनेक्टेड फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग बस अपने फोन में कार को स्टार्ट कर सकते हो और कार को स्टॉप कर सकते हो। अब जो इंडिया में क्रेटा में जो इंजन आने वाला है वो भाई 1.5 लीटर का ही रहने वाला है डीजल इंजन, और 1.4 का टर्बो चार्ज हमें पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा क्रेटा में। ट्रांसमिशन ऑप्शंस की अगर आप लोगों से बात करता हूं तो इसमें हमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, 7 स्पीड डीसीटी भी देखने को मिल जाएगा, और भाई IMT भी इस गाड़ी में अवेलेबल हो सकता है। यानी कि ट्रांसमिशन की बात करें तो काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे। बट भाई क्या इसमें ADS होने वाला है, देखो कंफर्म चीज नहीं है ये, लेकिन जिस हिसाब से इंडियन मार्केट में और कार्स आ गई हैं जैसे कि MG Aster या बात करता हूं महिंद्रा की XUV700 के बारे में, तो ऐसा फील हो रहा है कि क्रेटा में जो 2022 के हाफ में आने वाली है उसमें ADS का लेवल 2 फीचर हमें देखने को मिल सकता है। इतना एक्सपेंसिव फीचर नहीं है तो अब गाड़ी में ये सब लोग डाल के ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये फीचर नहीं डालेंगे तो हो सकता है ये गाड़ी थोड़ी सी सेल्स के मामले में नीचे रह जाए, क्योंकि XUV700 वैसे ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब जो नई क्रेटा आएगी उसमें भी अगर ADS नहीं मिला तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है यहाँ पर हुंडई के लिए। तो भाई इस गाड़ी का प्राइस क्या होने वाला है, कितना प्राइस पॉइंट पे ये इंडिया में आने वाली है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 10.5 लाख से स्टार्ट होगी ये गाड़ी और ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए तक जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमें अल्कज़ार का ऑप्शन मिल जाता है तो उससे ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं है क्रेटा का, तो उससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगी टॉप मॉडल हमारे पास। और टॉप मॉडल में ऐसा बताया जा रहा है ADS का फीचर हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर इस गाड़ी के और फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो भाई वही 10.25 का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दोनों ही हमारे पास 10.25 इंचेस के देखने को मिल जाएंगे। ADS का ऑप्शन इसमें अवेलेबल कराया जाएगा, जो राइवल्स हैं MG Aster XUV700 उन सब में ये फीचर हमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ ये टॉप एंड वेरियंट में ही अवेलेबल हमारे पास कराया जाएगा। इंडिया में भी इसको रोल आउट करा जाएगा, बाहर ADS यार काफी ज्यादा कॉमन है और ये लोग प्रोवाइड करके देते हैं, इंडिया में नहीं करते हैं क्योंकि भाई पैसे बच जाते हैं और कोई गाड़ी देती भी नहीं थी, अब हवा हो चुकी है क्योंकि महिंद्रा भी देती है तो भाई इनको भी देना पड़ेगा। सबसे कमाल की बात तो ये होने वाली है कि रूमर्स ऐसा बता रहे हैं क्रेटा में हमारे पास 2 मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, 5 सीटर एज वेल एज 7 सीटर। तो भाई अल्कज़ार का क्या होगा इसके बारे में नहीं पता, और अल्कज़ार से इसका कंपटीशन होगा या कैसे होगा क्या होगा अभी तक इसके बारे में नहीं पता। हो सकता है अल्कज़ार को डिसकंटिन्यू कर दें और इस गाड़ी को लॉन्च कर दें, क्योंकि ADS देना जरूरी हो चुका है यार। तो भाई काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है हुंडई की क्रेटा, बिल्ड क्वालिटी की अभी पता नहीं भाई कैसी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन फीचर्स के मामले में बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है और XUV की 700 को काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से टक्कर देने वाली है। इसमें बहुत बहुत अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं, ADS जैसा फीचर भी अवेलेबल कराया गया है, साथ ही साथ 5 और 7 सीटर का भी ऑप्शन रखा जाएगा, ऐसा रूमर्स बता रहे हैं, ये सब चीज़ें कंफर्म नहीं है और जो कंफर्म चीज़ें वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।